राजगढ़ जाते समय कुछ देर के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सोलन में रुके। जैसे ही मुख्यमंत्री सोलन पहुंचे तो दो युवतियों जो कि राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी की थी वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का धन्यवाद करती नजर आई। दोनों राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री को धन्यवाद की वजह बताते हुए कहा कि वह पिछले 5 वर्षों से अपना हिमाचली सर्टिफिकेट बनाने का प्रयास कर रही थी लेकिन उनका काम नहीं हो रहा था, परंतु उनके द्वारा चलाए गए जनमंच कार्यक्रम में भाजपा प्रतिनिधि राजेश कश्यप के प्रयासों से उनका कार्य कुछ मिनटों में ही बन गया। इसलिए दोनों युवतियों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वह इस तरह के कार्यक्रम भविष्य में भी आयोजित करते रहें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार का एकमात्र लक्ष्य जन समस्याओं का समाधान करना है और वह इस लक्ष्य को पाने में कामयाब भी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को खास तौर पर जनमंच कार्यक्रम को लेकर चेतावनी भी जारी की है कि वह जनमंच के कार्यक्रम को सहजता से न लें और मात्र रस्मि कार्य न समझें। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करना उनका लक्ष्य है जिसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जनमंच एक बहुत ही सशक्त माध्यम, और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम पूरे हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है और आने वाले समय में हमने इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि जितने भी हमारे अधिकारी हैं वो इस कार्यक्रम को सहजता से ना लें। ये रूटीन का कार्यक्रम नहीं है, रस्मि कार्यक्रम नहीं है। जहां भी इस प्रकार के जनमंच के जो कार्यक्रम होंगे उसके फॉलोअप की दृष्टि से हमने तय किया है, कहीं भी अधिकारियों के स्तर पर, कर्मचारियों के स्तर पर कहीं भी अगर कोताही पाई जाएगी तो उसमें हम निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे, क्योंकि हमारे लिए जन समस्याओं के समाधान से बड़ा कोई हमारा काम नहीं है, हमारा लक्ष्य नहीं है। ये सबसे बड़ा लक्ष्य है कि जन समस्याओं का समाधान मौके पर हो, जल्दी हो। ये रूटीन का हिस्सा जैसे पहले होता था कि टहलते रहे, इधर से उधर सारी चीजों को टॉस करते रहे, उसलिए हमने ये निर्णय लिया है और आने वाले समय में ये कार्यक्रम और भी प्रभावी ढंग से लागू करने की दृष्टि से हम नए इनिशिएटिव इसमें डाल रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ये कार्यक्रम रहेगा।